हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आपका अपना YouTube चैनल डियर बमबम सर में स्वागत है। इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीका से पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल छूटे नहीं। आइए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं। ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति के लिए किया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गई कीमत है या जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। आप एक किराए के स्कॉर्पियो से पटना से दिल्ली गए, आपने दूसरे के स्कॉर्पियो का यूज किया, इसके बदले में उसको कुछ रुपया देना पड़ेगा। यह रुपया एक तरह से उस स्कॉर्पियो का ब्याज ही है, क्योंकि स्कॉर्पियो को खरीदने के लिए उसने लाखों में रुपया इन्वेस्ट किया होगा। जब ब्याज के बारे में बात हो रहा है तो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में बतला ही देते हैं। शेयर मार्केट वैसा बाजार है जहां आप रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट का बाजार 9:15 में खुलती है और 3:30 में बंद हो जाती है। शेयर मार्केट में यदि आप बिना रिसर्च एंड एनालिसिस के रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि शेयर मार्केट का सक्सेस रेट मात्र 5% है। अर्थात 100 व्यक्ति में मात्र 5 व्यक्ति ही सक्सेस हो पाता है। हाँ, आप मोबाइल पर बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे ग्रो ऐप, इसको डाउनलोड करके यहाँ आप रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लॉस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इन लोगों का एक टीम होता है जो प्रतिदिन शेयर मार्केट बाजार का रिसर्च एंड एनालिसिस करते रहता है। हाँ, एक बात और, शेयर मार्केट बाजार के दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन एडवर्ड बफेट का कहना है कि सारा फल एक ही बाल्टी में मत रखो, क्योंकि सरेगा तो टोटल सर जाएगा। अर्थात आप एक ही कंपनी में सारा रुपया इन्वेस्ट मत कीजिए। आप शेयर मार्केट बाजार का रिसर्च एंड एनालिसिस करके अपनी पूंजी को थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मान लिया जाए आपने किसी से 1,000 रुपया उधार लिया और एक साल बाद जिससे उधार लिए थे उसको 1100 रुपया लौटाया। यहाँ आपने 100 रुपया अधिक दिया। यह 100 रुपया उधार लिए गए रुपये के लिए अदा की गई कीमत है, जिसे ब्याज कहते हैं। 1,000 रुपया का ब्याज एक साल में आपने 100 रुपया दिया, तो 100 रुपया का एक साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10 रुपया। अर्थात आपने उसे 10% वार्षिक ब्याज दिया। यहाँ पर 1,000 रुपया जो है इसे मूलधन कहते हैं। 100 रुपया ब्याज है तथा ब्याज की दर 10% है। मिश्रधन 1100 रुपया है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी फार्मूला से आप मूलधन, समय और दर का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। आइए सबसे पहले एक सिंपल सवाल लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। 500 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से
दो वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना हो गया 500, समय कितना हो गया 2 वर्ष, दर कितना हो गया 4% बाय 100। तो 2 0 2 0 कट गया, 5 2 10 4 40, अर्थात 40 रुपया ब्याज होगा। आइए ट्रिक नंबर 1 को देखते हैं। यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में n गुना हो जाता है, तो दर बराबर n-1 गुना 100 बटा x। इस ट्रिक को हम प्रूव्ड कर देते हैं। मान लेते हैं मूलधन p है और समय कितना है x वर्षों में, तो समय मान लिए x वर्ष और दर मान लेते हैं r%, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन घटा मूलधन। यहां पर मिश्र धन कितना हो जाएगा एनपी, चूंकि यहां पे कह रहा है यदि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से एक्स वर्षों में एन गुना हो जाता है, तो एक्स वर्ष में रुपया हमारा कितना हो जाएगा एनपी, अर्थात एनपी क्या हो गया मिश्र धन। अब मूलधन इसमें घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा साधारण ब्याज, पी आ गया कॉमन तो n-1, ये क्या हो गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो साधारण ब्याज यहाँ कितना है p(n-1), मूलधन कितना है p, समय कितना है x वर्ष, दर कितना है r/100। तो पी और पी कट गया, हमको दर का ट्रिक है ये, तो दर निकालना है, तो दर r बराबर हो जाएगा 100 गुना n-1, ये x चला जाएगा डिवाइड में, r बराबर 100 × n-1 बाय x। देखिए ये ट्रिक को हम प्रूव्ड कर दिए। अब इस ट्रिक पर एक सवाल देखते हैं, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे दर पूछ रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो दर निकालना है, दर बराबर 100 × n-1/x। तो n जो है धन कितना गुना हो जाता है, तो 7 गुना हो जाएगा, तो यहाँ n कितना हो जाएगा 7-1। x क्या है टाइम है 3 वर्षों में, डिवाइडेड बाय 3, तो 100 × 6/3, 3 × 2 = 6, 2 × 100 तो 200%, दर कितना हो जाएगा 200%। कोई धन x% ब्याज की दर से कुछ समय में n गुनी हो जाती है, तो समय बराबर n-1 × 100/x हो जाएगा, ये ट्रिक है। ट्रिक नंबर 2 को आप सिमिलरली ट्रिक नंबर 1 की तरह प्रूव्ड कर सकते हैं। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या ट्रिक बतलाए 100 × n-1/x, तो 100 × n कितना गुना धन हो जाएगा, तो धन यहाँ कितना हो रहा है 3 गुना, तो कितना हो रहा है 3 गुना -1। x यहाँ पे क्या है दर है 5%,
तो 5 से ये कट गया 20 बार में, तो 20 गुना 3 घटा 1 2, 20 दोनों 40 वर्ष, अर्थात 40 साल में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। आइए ट्रिक नंबर 3 को देखते हैं। यदि किसी सवाल में कहे ब्याज n गुना हो गया, तो ब्याज का n गुना होने पर दर बराबर हो जाएगा n गुना 100 बटा समय, समय बराबर हो जाएगा n गुना 100 बटा दर। आइए इस ट्रिक को भी हम प्रूव्ड करते हैं। मान लेते हैं मूलधन P है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ब्याज जो है n गुना हो गया है, तो क्या हो जाएगा, n P हो जाएगा, और मूलधन कितना है P, और समय गुना दर बटा 100। तो P और P कट गया, तो इससे हमारा समय बराबर क्या निकल गया, 100 गुना एन बटा दर, और दर बराबर क्या निकल जाएगा, 100 गुना एन बटा समय। ट्रिक नंबर 3 पे एक सवाल लेते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज कितने समय में 5% की दर से 6 गुना हो जाएगा, तो कितने समय में, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना एन डिवाइडेड बाय दर। तो 100, किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 6 गुना हो जाएगा कितने समय में, तो 6 गुना है तो 6, और दर कितना है 5%, तो 5 से ये कट गया 20 बार में, 20 छक 120, यानी 120 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज 5% की दर से 6 गुना हो जाएगा। यदि कोई धन एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से n1 गुनी हो जाती है, तो उसी समय में n2 गुनी होने की दर का ट्रिक हो जाएगा n2 माइनस 1 बट n1 माइनस 1 गुना n1 गुनी होने की दर। आइए इस ट्रिक को हम प्रूव्ड करते हैं। धन n1 गुनी होने पर मान लेते हैं मूलधन P है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा n1p, और ब्याज क्या हो जाएगा n1p माइनस P, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर। धन का n1 गुनी होने पर मान लेते हैं दर r1 है बट 100 बराबर P कॉमन आ गया n1 माइनस 1, तो P और P कट गया, तो समय बराबर हो गया 100 इंटू n1 माइनस 1 बटा r1। सिमिलरली धन का n2 गुनी होने पर समय क्या हो जाएगा, 100 गुना n2 माइनस 1 बाय r2, r2 दर है जब धन का n2 गुनी होगा, तो समय बराबर यहां निकल चुका है 100 इंटू n1 माइनस 1 बाय r1 बराबर 100 इंटू n2 माइनस 1 बटा r2, तो 100 और 100 कट गया, तो r2 बराबर हो गया हमारा, r1 इधर आ जाएगा, n2 माइनस 1 गुना r1 बटा n1 माइनस 1, तो देखिए आ गया n2 गुनी होने की दर बराबर n2 माइनस 1 बटा n1 माइनस 1 गुना n1 गुनी होने की दर। ये r1 जो है जब धन का n1 गुनी होगा तब का दर है। आइए ट्रिक नंबर 4 पर एक सवाल लेते हैं। कोई धन 5 वर्षों में
5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है, तो एन वन बराबर कितना हो गया 2, दोगुनी हो जाती है। आर वन कितना हो गया 5%, एन वन गुनी होने में दर कितना है 5%, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, इसी समय में कहता है किस दर से 5 गुनी हो जाएगी, तो एन टू कितना हो गया 5, आर टू बराबर व्हाट, आर टू निकालना है, तो आर टू बराबर हो जाएगा एन टू माइनस वन बटर एन वन माइनस वन गुना आर वन, तो एन टू कितना है 5 माइनस 1, एन वन कितना है 2 माइनस 1 गुना आर वन कितना है 5, तो 2 घटा 1 तो 1, 5 घटा 1 4, 4 पंचा 20%, यानी 20% का दर जब रहेगा तो 5 वर्ष में वही धन 5 गुनी हो जाएगी। आइए ट्रिक नंबर 5 को देखते हैं। यदि कोई धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से दिए गए समय में एन वन गुनी हो जाती है तो एन टू गुनी होने में लगा समय बराबर एन टू माइनस वन बटा एन वन माइनस वन गुना एन वन गुना होने में लगा समय। इस ट्रिक को आप सिमिलरली ट्रिक नंबर 4 की तरह प्रूव्ड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो एन वन कितना हो गया 2, 4 वर्षों में दोगुनी, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो एन टू कितना हो गया 16, तो कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर ट्रिक क्या बतलाए हैं, एन टू माइनस वन बट एन वन माइनस वन गुना एन वन गुनी होने में लगा समय, तो एन टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, एन वन कितना है 2, एन वन गुनी होने में लगा समय, तो दोगुनी होने में कितना समय लेता है 4 वर्ष, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 घटा 1 15/1 गुना 4 60 वर्ष, कितना हो जाएगा 60 वर्ष। देखिए किसी भी सवाल को आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में समय ज्यादा लेता है, इसीलिए ट्रिक को याद रखिए और उस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। आइए ट्रिक नंबर 6 को देखते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर समय के अंतर के कारण हो, अधिक समय के लिए कोई धन रहेगा तो उसका ब्याज ज्यादा होगा और कम समय के लिए कोई धन रहेगा तो उसका ब्याज कम होगा, तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर गुना 100/दर, या ब्याज का अंतर दर के अंतर के कारण हो। यदि किसी धन पर ब्याज का दर ज्यादा है तो उसका ब्याज ज्यादा होगा, और यदि किसी धन पर ब्याज का दर कम है तो उसका ब्याज भी क्या होगा कम होगा। ब्याज का अंतर दर के अंतर के कारण हो तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर गुना 100/समय। ट्रिक नंबर 6 का भी एक एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर बटर, यहां दर में डिफरेंस है, एक दर है 13% दूसरा दर है 15%, तो यहां पे क्या हो जाएगा दर का अंतर, दर का अंतर गुना 100/समय, तो यहां ब्याज का अंतर कितना है 50 रुपया,
यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता, तो ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा 50, दर का अंतर कितना हो जाएगा 15 घटा 13 तो 2 100 अब बटा समय, समय कितना है 5 वर्ष, तो 5 से ये 20 बार में कट गया, 2 से 25, 25 दुनो 50, 500 रुपया। आइए देखते हैं इस सवाल को। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या है? यहाँ ब्याज का अंतर 100 रुपया है, यह किसके कारण? समय में अंतर के कारण। तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज का अंतर बटा समय का अंतर गुना 100 बटे दर, तो ब्याज का अंतर कितना है 100, समय का अंतर कितना हो जाएगा 9 घटा 5 तो 4, 100 बटे दर, दर कितना है 10%, तो 0 0 कट गया 4 से 25 बार में, तो 25 गुना 10 250 रुपया, 250 रुपया क्या हो गया मूलधन। ये ट्रिक नंबर 8 को देखते हैं। यदि साधारण ब्याज मूलधन का x बटा y हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो समय बराबर दर बराबर x बाय y गुना 100। देखिए साधारण ब्याज मूलधन का x बटा y है, तो मान लेते हैं कि मूलधन p है, तो ब्याज क्या हो जाएगा x बटे वाई पी, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर x बटे वाई पी, तो मूलधन कितना हो गया p, समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर है, तो समय और दर दोनों को हम z मान लेते हैं, z गुना z बटे 100 बराबर x बटे वाई पी, तो p और p क्या हुआ कट गया, तो z गुना z, z स्क्वायर बराबर 100 को x बटे वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 गुना x बटे वाई, तो z बराबर क्या हो गया 100 गुना x बटा वाई पर रूट। z क्या है दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है, अर्थात दर और समय है z, तो z बराबर क्या हो जाएगा समय या दर बराबर 100 गुना x बटा वाई पे रूट। देखिए इस ट्रिक को भी हम प्रूव्ड कर दिए। आइए ट्रिक नंबर 8 पे एक सवाल लेते हैं। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो दर क्या होगा? यहाँ पे x बटा वाई बराबर कितना हो गया 1/4, तो दर का ट्रिक क्या बतलाए हैं 100 गुना x बटे वाई पे रूट, तो 100 गुना x बटे वाई कितना है 1/4, तो 4 से कितना 25 बार में, तो 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 5% दर हो गया। जब दर 5% हुआ तो समय भी क्या होगा 5, क्यों? तो दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर है। आइए ट्रिक नंबर 7 को देखते हैं। यदि कोई राशि x1% ब्याज की दर से t1 समय के लिए लगाई जाती है, x2% ब्याज की दर से t2 अगले समय के लिए लगाई जाती है, x3% ब्याज की दर से अगले t3 समय के लिए लगाई जाती है, तो साधारण ब्याज बराबर
मूलधन बटे एक सौ गुना टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू प्लस टी थ्री एक्स थ्री प्लस डेस डेस डेस। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू वन प्लस टी वन एक्स वन प्लस टी टू एक्स टू प्लस टी थ्री एक्स थ्री प्लस डेस 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 बटे एक सौ। ये सभी ट्रिक आप बेसिक से प्रूव्ड कर सकते हैं। एक हजार रुपया की राशि का पहले दो वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के तीन वर्षों में 8% की दर से तथा अंतिम पांच वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? T1 कितना हो गया? दो वर्ष। X1 कितना हो गया? 5%। T2 कितना हो गया? थ्री वर्ष। X2 कितना हो गया? 8%। T3 कितना हो गया? 5 वर्ष। X3 कितना हो गया? 10%। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन बटा 100 T1 X1 प्लस T2 X2 प्लस T3 X3। तो मूलधन कितना है? 1000 बटे 100 T1 X1 तो पौन दोनों 10 T2 X2 तो 8 तिया 24 प्लस T3 X3 तो 10 पचा 50 तो 00 कट गया। तो 10 गुना 50 24 74 10 84 तो 840 रुपया क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। लास्ट ट्रिक है ये, यदि 3 रुपया का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अदा करना हो तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त P गुना 100 बटा 100 गुना T प्लस RT इंटू T माइनस 1 बाय 2, जहां R क्या है? रेट है, T है टाइम। इस ट्रिक पर भी एक सवाल लेते हैं। 7500 रुपया के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी? तो किस्त बराबर क्या फॉर्मूला बतलाए? 200t बटे 200t प्लस RT इंटू T माइनस 1। तो 200p यहां कितना हो जाएगा? 7500 बटे 200t कितना है? 4 वर्ष है। 200 गुना 4 प्लस R कितना है? 5% है। तो 5 गुना T कितना है? 4 है। T माइनस 1 तो 4 माइनस 1 तो 200 गुना 7500 बटे 2 चौका 800 प्लस 5 चौका 20 और 4 घटा 1 3 तो 20 दिया 60 बराबर 200 गुना 7500 बटे 860 तो 00 कट गया। तो ये हो जाएगा 1744.18 रुपीज लगभग। तो इतना रुपया पर किस्त देना पड़ेगा। तो 4 वर्ष में ये ऋण क्या होगा? चुक जाएगा। इसी तरह मैथ, रीजनिंग, मोटिवेशनल, सामाजिक ज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अति महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आप डियर बम बम सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए तथा बेल का घंटी भी बजा लीजिए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत इंटर करेगा।